हाय गाइस, देख सकते हो मासी आ गई है और मासी ने हमारे लिए बनाया है मैंगो शेक। हम पियेंगे मैंगो शेक। हाँ, गुन्नू के लिए इसमें कर दो हल्दी निकली अभी। मम्मी मैंगो शेक पियोगे? नहीं नहीं हरलीन को भी तो दो। ठीक है, तो अब हमारे मैंगो शेक हो चुके हैं रेडी, अब हम इन्हें पियेंगे। तो यहाँ पे दीदी तैयार हो चुकी है हॉस्पिटल में जाने के लिए, और जो उनकी क्या बोलते हैं देवरानी की तबीयत ख़राब हो रखी है, तो वो भी हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं। तो दीदी उनके पास जाती है दिन में, तो यहाँ पर मैं रहती हूँ बच्चों के पास। और बच्चा पार्टी देखो कैसे फ़ोन कार्टून ये सब तो चलता रहता है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ नूरी की माय पीटी कैट, ये बनाना है स्लिप हाफ, ऐसे बनाना है इसको ना, इसमें कलर वलर और ये ऐसे सेम ऐसा बनाना है इसको ना। पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा मुझसे, क्योंकि मुझे ज़्यादा वो तो नहीं आता है, लेकिन कोशिश करके देख रही हूँ नूर की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और इतना बड़ा ले पता नहीं क्या क्या दे के रखते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा काम दे रखा बहुत ज़्यादा है। इनका जो छुट्टियाँ होती हैं ना वो होमवर्क करने में चली जाती हैं बच्चों की, है ना। हाँ, और इसका बनाना है, इसमें पहले मेरे को कलर करना है। और दीदी चली गई है हॉस्पिटल, और बस अभी बच्चा पार्टी है और हम हैं, बस यहाँ पे होमवर्क चल रहा है इनका। उधर भी देखो पूरे में ना बुके बुके रखी हुई है, और हरलीन भी बुक का काम कर रही है। हरलीन क्या कर रही है बेटे? इसे भी एक रब बुक दे रखी है, वरना ये भी परेशान कर रही थी हमको। तो गाइस देखते हैं ये माय पीटी कैट बनती है नहीं बनती है। तो यहाँ पे अभी मैं कलर उसमें ना साइड मतलब साइडों में ना कलर था, तो वही कर रही हूँ, येलो और ब्लैक कलर का कलर है उसमें, तो मैं वही कर रही हूँ पहले, और बाद में देखते हैं बनती है नहीं बनती है। मेरे से पता नहीं स्कूल वाले क्या क्या देते हैं ना, बहुत सारा इतना होमवर्क दे रखा है इनको। इनकी छुट्टियाँ तो बस होमवर्क करने में ही चली जाएंगी, क्या इन्जॉय करेंगे छुट्टियाँ। तो अभी इतना सारा काम दे रखा है ना, तो बहुत सारा काम दे रखा है इन बच्चों को। तो मैंने सोचा ये बोलने लगी कि मासी बना के, मैंने कहा ट्राई करके देखती हूँ अगर बनती है नहीं बनती है। तो अभी मैं इसमें कलर कर दूँगी साइडों में, और फिर देखते हैं इसका फिर। हरलीन और अभी हरलीन पोलियो की ड्रॉप पीने के लिए चली गई है नीचे, और हरगुन भी गई थी और हरलीन भी गई थी। और पता है हरलीन इतना ज़्यादा रो रही थी ना, बहुत ज़्यादा रो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी हरलीन ऊपर, मतलब जब ऊपर आया ना तभी चुप हुई, और बाप रे इतनी ज़ोर ज़ोर रो रही थी हद से ज़्यादा। तो अभी ना ये पोलियो की ड्रॉप पी प्रभ गई थी पिलाने के लिए ना, ये देखो डर रही है, पता नहीं ना वो ये जैसे नया याद है वो देखती है ना तो डरती है, क्योंकि एकदम से ये किसी के एकदम पास नहीं जाती है अजनबी की ना, तो इस वजह से भी वो करती है। क्योंकि हरलीन की मुझे ये खासियत अच्छी लगती है, अगर कोई भी नया मेहमान वगैरह आता है, कोई भी अजनबी बंदा आता है, उसके पास नहीं जाती है, सबसे अच्छा लगता है मुझे हरलीन का ये ना। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही थी क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है ना, और बच्चा पार्टी तो इधर आए तो इधर उधर पूरे, मतलब ये दो बच्चा पार्टी ज़्यादा परेशान करती है, जो दो है ना गुन्नू और ये, यहाँ पे बच्चा पार्टी खेल रही है और झगड़ भी रही है। हरलीन बेटे गिर मत जाइए यार, आराम से बैठ जाओ नीचे, सिट डाउन बेबी, वेरी गुड। ये बच्चा पार्टी खेले बैडमिंटन, लड़ाई भी करते रहते हैं ना, बड़े परेशान करते हैं सब बच्चे ना मिलके, लड़ाई झगड़ा खेलना कूदना सब चल रहा है इनका बच्चों का यहाँ पे। ए बच्चा पार्टी इधर खेल रही है, हरलीन को ऐसी जगह पे अच्छा लगता है खेलना ना खुले में। पता रात ये चार बज के पच्चीस मिनट पे मतलब इसे दूध दिया, पूरी रात रोती रही। पता है गुन्नू के पास जाना दीदी के पास जाना, गुन्नू के पास जाना दीदी के पास जाना, ऐसे कर रही थी रात में। और अभी यहाँ पे देखो कितने अच्छे से खेल रही है वो बैठी वहाँ पे, इसे इसका वहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जैसे ही गेट में एंट्री करते हैं ना वहाँ पे रोने शुरू कर देते, इतना ज़्यादा परेशान करते मेरे को वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा परेशान करते इसे, कैसे मतलब कैसे क्या करना पड़ेगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा रोती है वहाँ पर लड़की। और यहाँ पर अच्छे से खेल लेती है क्योंकि वहाँ पर एक तो बच्चे यार कुछ भी मतलब खुला भी नहीं है वहाँ पर, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं।
और जैसे गेट में एंट्री करते जब तो हो रोना शुरू कर देती है लड़की। सच्चे में बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है इस लड़की ने। अब यहाँ पे अच्छे से खेल रही है। अब पता क्या करें, वहाँ पे तो इतना खुला है ही नहीं, बस रूम है और रूम के पास थोड़ी सी जगह है, बस ज़्यादा स्पेस नहीं है वहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, मैं इनका ध्यान रख रही हूँ। कौन सा बच्चा कहीं में लड़ाई बड़ी जल्दी होने लगती है, देखो खेलते खेलते ना, तो इस वजह से ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं भी छत पर आ गई थी, मैंने कहा कभी ये लड़ाई शुरू कर दे। और हरलीन तो खैर बेचारे पता नहीं क्या क्या उठा उठा के खेल रही है, जैसे पत्थर वगैरह नहीं रखे इसके। तो गाइस इस वीडियो का अभी मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।